लालकुआ 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गोलापर के बागजला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पहली मासिक बैठक एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यहां गोलापर के बागजला में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की पहली मासिक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में विकास कार्य को ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की नाकामियों को घर घर ले जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बेहिचक जनता के बीच जाकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लालकुआ विधानसभा में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाएंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश अनुसार हर महीने एक प्रथम हफ्ता में एक मीटिंग आयोजित किया गया है और हर गांव में होना है। उसी के साथ साथ हम लगातार कमेटी का भी गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। हमने आज राजन प्रसाद जी को चोरगलिया और गोलापार क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनको मनोनीत पत्र दिया है और इसी के साथ हम 2022 मिशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कमेटी का विस्तार करते जा रहे हैं। अब आज से हमारे और राजेंद्र प्रसाद जी अपने ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नए वर्ष की बधाई देता हूँ और इसी शब्दों के साथ हम 2022 का मिशन फतेह करेंगे। आज इंद्रलाल आर्या जो एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं उनके आवास पर कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, पोलिंग बूथ स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें सभी हमारे कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लोग उपस्थित हैं। इंद्रलाल जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए सब मिलकर के काम करें। आज जो स्थिति क्षेत्र की है, जो देश की है, उसको जनता देख रही है। आज किस तरह से झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त की है, इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। आज महंगाई आसमान पर है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, महंगाई आसमान पर है, तो क्या अच्छे दिन आ गए जनता के? तो जनता दुखी है, परेशान है, मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। जो बहुत जो कई योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार ने हरी रावत सरकार ने चलाई थी वो बंद कर दी, तो ऐसी सरकार जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और विशेष अनुसूचित जाति के लिए और महिलाओं के लिए और आम आदमी के लिए जो एक बड़ा भारी संकट पैदा कर रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान आज इंद्रलाल जी ने किया है। हम सब लोग इनके साथ हैं, इस विश्वास के साथ कि इस सरकार को, इस दूली लंगड़ी सरकार को जिन्होंने देश को, समाज को, क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। आज विकास ठप है, सड़कों में गड्ढे हैं, आज पानी नहीं है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, पानी के दाम बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में रोडवेज किराया बढ़ने वाला है, तो चौतरफा महंगाई का जोर आम जनता के ऊपर। आज किसान मर रहा है, आज अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहा है, वहाँ कई लोग भी ने दम तोड़ दिया, मर गए हैं। तो ऐसी सरकार जो किसान विरोधी है, इस सरकार के खिलाफ आज देश का किसान भी एकजुट हो रहा है और उसमें विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति का भी योगदान है। मैं इंद्रलाल जी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।